अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। अच्छा यार भाई, मेरा इंटरव्यू जो था वो 8 मार्च को था, नेके पी के। तो मैं जूनियर साइंस टीचर। इंटरव्यू काफ़ी आसान था, काफ़ी अच्छा इंटरव्यू हुआ है। पैनल में 3 सब्जेक्ट रिलेटेड टीचर थे, और आई थिंक दो जो थे वो मेन थे। शायद एक प्रिंसिपल था और एक शायद आरओ ऑफिसर था। तो सब्जेक्ट रिलेटेड मतलब यानी कि डिफरेंट सब्जेक्ट के थे, फिजिक्स के थे, बायो के थे और कंप्यूटर का था। मेरा जूनियर साइंस का था, जिसमें मेरी डिग्री कंप्यूटर में थी, उसके बारे में था। डेमो तो मेरे से नहीं लिया, अलबत्त डेमो किसी से भी नहीं लिया। लाइक थोड़े से क्वेश्चन ही पूछते हैं, 3 4 क्वेश्चन डेमो रिलेटेड। ड्रेसिंग की बात की जाए तो ड्रेसिंग वो की जाए कि जिसमें जो है ना आप कंफर्टेबल फील करें। ये नहीं कि आप जिस तरह हम कहते हैं कि ड्रेसिंग होनी चाहिए 3 पीस पहन के जाएं, क्योंकि जब आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो फिर जाहिर सी बात है डेमो आप कैसे इजी सी दे सकते हैं आप। कंप्यूटर के उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए थे कि बायोस के बारे में, कि बायोस क्या होती है, फिर उसके अलावा कंप्यूटर की बायोस को हम कैसे ठीक करते हैं। फिर उन्होंने पूछा कि डाटा कैसे स्टोर होता है हार्ड डिस्क में। उन्होंने हार्ड डिस्क का पूछा कि हार्ड डिस्क कैसे बनती है। फिर इसके अलावा उन्होंने सेगमेंट के बारे में पूछा कि सेगमेंट हम किसे कहते हैं। देन वायरस के बारे में पूछा कि वायरस कैसे कहते हैं हम। तो जो टाइम था वो ऑलमोस्ट तकरीबन 8 to 9 मिनट्स का इंटरव्यू था। इसके अलावा जो है ना उन्होंने कोई ऐसी खास सब्जेक्ट या चीज़ नहीं पूछी, बस सिंपल इंट्रोडक्शन पहले पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन पूछे, और देन आखिर में थैंक यू बोल के कहते हैं आप जा सकते हैं। तो इतना ही इंटरव्यू था, और बाकी यही है कि इतना मुश्किल नहीं होता इंटरव्यू के, अगर आप तैयारी करें, डेमो की तैयारी करें और ये वो। डेमो वो बहुत ही कम ना होने के बराबर डेमो रहती हैं बिल्कुल।